एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद मिर्जापुर, पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर डॉक्टर धर्मवीर सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में, पुलिस विभाग में निरंतर सेवा प्रदान करते हुए अधिश्वरता की आयु पूर्ण कर सेनावृत्त हुए 5 पुलिसकर्मी पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा दी गई भावभीनी विदाई। समारोह के दौरान सेनावृत्त होने वाले 5 पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर भावभीनी विदाई दी गई तथा उनके सुखद, सफल एवं आनंदमय भावी जीवन की कामना की गई। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद चंदौली, जंगली सुअर का आतंक, आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को किया घायल। भटके जंगली सुअर ने जमकर मचाया उत्पात। आत्म सुरक्षा में ग्रामीणों ने सुअर को मारा। वन विभाग की टीम और बलुआ थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचे। बलुआ थाना क्षेत्र के मजदिया गांव के समीप का है मामला। दिनांक 28 अप्रैल 2020 को चंदौली सैदपुर मार्ग मजदहा के पास एक अज्ञात वाहन से जंगली सुअर घायल हो गया। सूचना मिलने पर तत्काल हम लोग पहुँचे, परंतु वो उस घायल अवस्था में उसने दम तोड़ दिया। तत्काल हम लोग डॉक्टर के पास उसको ले गए, परंतु डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। नियमानुसार हम लोग कार्रवाई करते हुए उस जंगली मृत सुअर को हम लोगों ने टांडा कला पौशाला में गणमान व्यक्तियों के सामने पंचनामा बनाते ही उसको दफन कर दिया। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद गाजीपुर में लॉकडाउन की वजह से अन्य प्रदेश व जिलों में फंसे अपने प्रदेश के छात्र मजदूरों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उनको घरों तक पहुंचाने का लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे में ही हाल ही में राजस्थान के कोटा से फंसे गाजीपुर जिले के 254 छात्र छात्राओं को मेडिकल परीक्षण कराकर उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाने का काम किया गया है। देखिए, बीती हुई रात्रि में, रात्रि 11 बजे से लेकर सुबह तक अब तक कुल 24 बसें प्रयागराज से आई हैं, जिसमें 843 बच्चे और बच्चियां उसमें सम्मिलित हैं। इन सभी बच्चों का जनपद में आने के बाद हमने मेडिकल चेकअप करवाया है और इनको होम क्वारंटाइन रहने के लिए प्रॉपर तरीके से इन्हें निर्देशित किया है, समझाया है। और ये सभी बच्चे रात्रि में ही इनको हमने भोजन करा के इनको घर भेज दिया है और इन्हें अच्छी तरह से ताकीद कर दिया है कि ये बच्चे 14 दिनों तक अपने घर में ही क्वारंटाइन रहेंगे। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद गाजीपुर में आयुष मंत्रालय सहित तमाम विभागों के द्वारा अनेकों नुस्खे बताए जा रहे हैं। इस कड़ी में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग भी अपनी भूमिका निभा रहा है, जो ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गर्भवती व धात्री महिलाओं के साथ ही कुपोषित बच्चों को इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद कर रहा है। ये कार्यक्रम जो लगाया गया है, ये शासन के निर्देश पर घर घर वितरण के लिए आदेश हुआ है, उसी के तहत ये वितरण किया जा रहा है। इसमें ये कहा गया कि जो लॉकडाउन की स्थिति है, इसमें कोई भी लाभार्थी घर से बाहर न जाए, आंगनबाड़ियाँ घर घर जाके बांटे। इसमें हम लोग अपने जनप्रतिनिधि, जनपद के जनप्रतिनिधि, माननीय जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग ले रहे हैं और वो भी बड़ा पढ़ चढ़ के हमारे कार्यक्रम में भाग लेकर वितरण कर रहे हैं। इसका मेन उद्देश्य यह है कि हमारा लॉकडाउन की जो शासन का मंशा है, वो किसी भी स्थिति में उसका ब्रेक, जो कोरोना वायरस के चलते होना है कि ब्रेकअप रखा जाए, तो हम लोग पूरी इम्यूनिटी
लाभार्थी को बना रहा है, इसका भी हम लोग उद्देश्य रखे हैं कि उसकी इम्यूनिटी बरकरार रहे, पोषण तत्व उसको जो हम लोग पहले से देते आ रहे हैं वो भी देते रहें और वितरण भी प्रक्रिया भी कहीं बाधित न हो। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद गाजीपुर में मनरेगा के तहत मजदूरों को रोजगार देने की भी शुरुआत कर दी है। इस बात की जानकारी खुद डीएम गाजीपुर ओम प्रकाश आर्य कर रहे हैं। जी हां, जनपद गाजीपुर में हरियाणा सहित कई अन्य प्रदेशों से जिले के रहने वाले मजदूर गाजीपुर पहुंच चुके हैं, जहां आए हुए मजदूरों की जांच कराने के बाद होम क्वारंटीन कर दिया गया है। वहीं आज जिलाधिकारी ग्रामीण इलाकों में रोज कमाने खाने वाले दिहाड़ी गरीब मजदूरों को राशन बांटने का काम किया। लॉकडाउन के नाते इन लोगों को रोजगार मिलने में पीछे कठिनाई हुई है, यद्यपि अब हम लोगों ने सभी लोगों को मनरेगा के माध्यम से रोजगार दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ये ध्यान में रखते हुए कि इन्हें कोई कठिनाई ना हो, ऐसे 94 परिवारों को चिन्हित करके आज हम लोगों ने यहाँ पे 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 1 लीटर तेल और 1 किलोग्राम चीनी, 1 किलोग्राम नमक, 5 किलोग्राम आलू और मसाले इत्यादि दिए हैं, जिससे कि इनको प्रत्येक परिवार को कम से कम 10 दिन तक का इनका अपने घर का पूरा खर्चा आज इन्हें दिया है। सर, वैश्विक महामारी पूरे देश की सबसे बड़ी बात जो इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए है कि सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करें। प्रत्येक व्यक्ति यदि अपरिहार्य ना हो तो अपने घर में ही रहे, बाहर ना निकले और अपने मुंह को ढक के रखे, स्वच्छता का ध्यान रखे और अपने इम्यूनिटी को बढ़ाने का प्रयास करें और अच्छी तरीके से अपने घर में सुरक्षित रहें। यही इसका एक कारगर उपाय है और इसका कड़ाई से लोग। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद सिद्धार्थनगर में अब तक कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है, ये राहत की बात है। लेकिन फिर भी जिले के जिला अधिकारी दीपक मीणा और पुलिस अधीक्षक विजय ढुल हर उस आदमी से संबंध बनाने का काम कर रहे हैं जो किसी ही तरह लॉकडाउन का पालन करवाने में मददगार साबित होगा। जिले के आला अधिकारी सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर गांव के ग्राम प्रधानों, सचिवों और लेखपालों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैठक कर रहे हैं। पर अब जैसा जनपद सिद्धार्थनगर और खासकर पूर्वांचल है कि यहाँ पे माइग्रेंट लेबर बहुत ज़्यादा जाती है बाहर, और धीरे धीरे मना करने के बाद भी कई लोग चोरी छुपके और कई जगहों से पहुँच जा रहे हैं, और डेली जो हम देख रहे हैं कि हमारे जनपद में 350, 400 और पिछले 2-3 दिन में तो ये नंबर और भी बढ़े हैं, ये हर जगह से छुप छुप के ये लोग पहुँच रहे हैं। ज़्यादातर हमने अपनी बॉर्डर्स को सील कर दिया है, तो कोई भी आदमी, ज़्यादातर लोगों को तो हम लोग अपनी बॉर्डर्स पर ही पकड़ के क्वारंटाइन कर ले रहे हैं, पर ये स्थिति हो रही है कि कई लोग चोरी छुपके बाय फुट रात के रास्ते में इधर उधर से खेतों के रास्ते से पहुंच भी जाते हैं। तो प्रधानों को हमने यही रिक्वेस्ट की है कि एक तो सब लोगों को, ऐसे लोगों को गांव में ना रख के क्वारंटाइन में भेजें कि उनको 14 दिन रखें, देखा जाए कोई लक्षण तो नहीं है और रैंडमली टेस्ट करवा के बाद ही घर भेजें। दूसरी बात, जिस टाइप के लेबर आ रहे हैं बाहर से, वो इतने नंबर्स बढ़ जाएंगे कि बिना प्रधान के सहयोग के या बिना गाँव के सहयोग के या बिना निचले स्तर के सहयोग पे इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उनको हम कॉलेजेस में या बड़ी जगह रख पाएंगे। तो सभी प्रधानों को और सभी गांव के सचिव और लेखपालों को ये बताया गया है कि क्या सरकार ने इस चीज़ में धनराशि दी है, क्या उन्होंने सहूलियत दी है, क्या पैसा दिया है सब लोगों को रखने के लिए शेल्टर होम्स में, तो उसके बारे में भी उनको बताया गया और उनको बताया गया है कि किस तरीके से शेल्टर होम्स में रखना है कि आगे ये प्रॉब्लम ना हो और सब लोगों का क्वारंटाइन अलग अलग जगह पे कर सकें और जो एहतियात बरतनी है उसके बारे में बताएं। सर, एक लेटर कल से वायरल है बाहर राज्यों में काम करने वाले मजदूरों को लेकर, क्या है उसकी हकीकत? नहीं, देखिए, वो लेटर वायरल नहीं है और ये मैंने अपने ऑफिशियल ट्विटर से भी कर दिया और हम प्रेस विज्ञप्ति भी जारी अभी हो रही है, जिसमें लोगों को ये कन्फ्यूजन हो गया था कि बाहर से आने के लिए ये चीज़ें मांगी जा रही है, पर ऐसा नहीं है। वो सूचना ये मांगी जा रही है कि बाहर जो रह रहे हैं उन्हें कोई समस्या है कि खाने की है, राशन की है या कोई और मेडिकल इमरजेंसी है, तो इन नंबर्स पे बता सकते हैं। हम उसको ज़िले वाइज कंपाइल कर रहे हैं अपने ज़िले पे और उधर के ज़िला अधिकारी को और राज्य सरकार को लिख रहे हैं कि हमारे ये लोग इन इन जगह पे फंसे हुए हैं, इनका पता ये है,
इनको ये सुविधाएं मुहैया करवाई जाए। आने का निर्णय जब भारत सरकार और राज्य सरकार लेगी तो वो सबको पता चल जाएगा। उसके लिए इन अफवाहों पे या एक एक ज़िले में कुछ लेटर अगर जारी हो जा रहे हैं उसके ध्यान पे ना देके जब भी ये निर्णय होगा तो ये भारत सरकार को और राज्य सरकार को ही लेना है, तो सबको टीवी के माध्यम से या वैसे मिल ही जाएगा। एक्सप्रेस न्यूज हर खबर पर नजर। जनपद सिद्धार्थनगर में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के बार बार जिलाधिकारी की अपील के बाद भी जिले की रैंकिंग बहुत ही बेहतर न होने पर जिले के पुलिस अधीक्षक विजय ढुल ने अपने महतातों को अधिक से अधिक लोगों के मोबाइल में इस आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कराने के निर्देश जारी किए हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस महकमे के लोग लगातार लॉकडाउन तोड़ने वाले लोगों को मोबाइल की भी जांच कर रहे हैं और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करवा रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया है जो कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए एक कारगर टूल की तरह काम कर रहा है। इसी के चलते आप अवगत हैं कि जनपद सिद्धार्थनगर में काफ़ी कम संख्या में लोगों द्वारा इसको डाउनलोड किया जा रहा था और प्रदेश स्तर पर हमारी रैंकिंग में काफ़ी हम लोग नीचे थे। इसी पे मेरे द्वारा अपने सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि लॉकडाउन का पालन कराने के साथ साथ अपने बाकी निहित दायित्वों के साथ साथ लोगों को जागरूक करें और जो भी लोगों के संपर्क में वो आते हैं चाहे चेकिंग के दौरान या जो भी उन लोगों के भी फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराया जाए। जो व्यक्ति कोई उल्लंघन भी कर रहा है ट्रैफिक नियमों का या लॉकडाउन का उन सब लोगों के भी फ़ोन में इसको किया जाए ताकि उन लोगों का भी अपने जागरूकता बढ़े और वो लोग भी कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में अपनी सहभागिता कर सकें। एक्सप्रेस न्यूज हर खबर पर नजर। जनपद सिद्धार्थनगर लॉकडाउन के दौरान गरीबों की सहायता हेतु सरकार द्वारा जनधन खाते में भेजी गई धनराशि भी पात्रों को पूरी नहीं मिल पा रही है। ताजा मामला सिद्धार्थनगर जिले के नौगढ़ ब्लॉक के रामपुर ग्राम पंचायत का है जहां जनधन खाता धारकों के खाते में आए 500 रुपए भी उन्हें पूरे नहीं मिल सके। जनधन खाता धारकों ने बताया कि उन्हें ग्राम प्रधान संतलाल चौधरी बैंक लेकर गए और बैंक से 500 रुपए मिलने के बाद 300 रुपए हमसे ले लिए। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि 300 रुपए नरेगा के आए हैं और तुम्हारे खाते में 50 रुपए बचे होंगे। तो मुहाने रहना है तो का बोला 300 ले ली तो हमें 200 दहले रहा काली की हमें 300 दे दी है सुना कि सरकारी पैसा आवत है हमारा लगता है सरकारी पैसा ही नहीं हुआ कि हमार लगा नरेगा पैसा तो इतना हमार हुआ तो 200 हमें दहले आ कितना पैसा आप निकाला गया बैंक से तो प्रधान जी कितना लिए 300 आप उनसे पूछा ना गया कि पैसा सरकार की तरफ से आवा है तो आप कह लीजिए ले रहा ली तब ये बतिया कहाँ लगती करिएगा और तारे मनो तारे खाता में 50 रुपया हुए ही। क्या नाम है आपका? संगीता। कौन? 500 रुपया मिला 300 रुपया प्रधान ले लें 200 रुपया हमने रही बोला ले गया निकलवाए। अच्छा पैसा निकलवाए प्रधान जी उसके बाद पैसा आपसे प्रधान जी ले लिए? हाँ। कितना लिए हैं? 300 रुपया लेंगे। ब्लॉक में एक रमापुर गांव है वहां पे ये मामला आ रहा है कि जो महिलाओं के लिए जो जनधन खाते में उनके जो 500 रुपए गवर्नमेंट की तरफ से जा रहे हैं उसमें वो उनसे निकलवा के वो 300 रुपए खुद ले रहे हैं और 200 रुपए उनको दे रहे हैं। देखिए अभी शिकायत संज्ञान में आई है कि इस टाइप से किया जा रहा है जो जनधन का खाता है उसमें से पैसा निकाला जा रहा है तो हम इसको दिखवा लेते हैं और अगर इस टाइप की अनियमितता है कुछ भी किसी के द्वारा की जाए तो फिर कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। एक्सप्रेस न्यूज हर खबर पर नजर। जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी सहित कई ब्लॉक परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ग्राम प्रधानों ग्राम सचिवों व लेखपालों के साथ जिला अधिकारी दीपक मीणा और पुलिस अधीक्षक विजय ढुल ने की बैठक। कोरोना को लेकर सभी लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील।
मुस्लिम महिला हैं, रमजान का महीना चल रहा है, रोजा भी रख रही हैं और लगातार लॉकडाउन के बाद से ही लोगों तक राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। गरीब तबका है, उनके पास राशन पहुंचा रहे हैं। उद्देश्य क्या है आपका? मेरा उद्देश्य ये है कि मैंने बांसी नगर पालिका को अपना परिवार कहा है और मैं, मेरा मानना यह है कि मैं किसी को भूखा नहीं रहने दूंगी और बांसी मेरा परिवार है, अगर हम आधी रोटी खाएंगे तो आधी रोटी उनको भी खिलाएंगे। यही मेरा उद्देश्य, यही मेरा मानना है कि पूरे देश में जितने भी लोग हैं बांसी से लेकर पूरे सिद्धार्थनगर जिले के लोगों को मैंने सहयोग किया है और मेरा यही एक उद्देश्य, यही मानना है कि कोई भूखा ना रहे। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद आजमगढ़, व्यापार मंडल के द्वारा कोरोना योद्धाओं का किया गया स्वागत। व्यापार मंडल ठेकमा द्वारा इस महामारी में जनता की सेवा कर रहे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी एवं थाना बरदह के थानाध्यक्ष नंद कुमार तिवारी, ठेकमा चौकी के इंचार्ज अजीत दुबे का स्वागत उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष अरविंद गुप्ता, महामंत्री दुर्गेश सेठ एवं नगर के तमाम व्यापारियों द्वारा यूनियन बैंक ठेकमा के सामने माला पहना कर स्वागत एवं उत्साहवर्धन किया गया। कि हम लोग अपने समाज को, अपने व्यापारी समाज को, अपने क्षेत्रवासी को दिखाना चाह रहे हैं कि सभी लोग डिस्टेंसिंग का पालन करें, एक दूसरे का सहयोग करें। देखिए, स्वागत करना ये तो आम बात है, सबसे बड़ी समस्याएं हैं हमारे क्षेत्र में, ऐसे परिवार हैं हमारे पड़ोस में, ऐसे परिवार हैं जिसको खाने के लाले पड़े हैं। व्यापार मंडल की तरफ से राशन भी, व्यापार मंडल के तरफ से, हमारे व्यापारी के तरफ से, जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, मझोले व्यापारी हैं, जो असहाय हैं, लगभग एक महीने से ऊपर हो गए अपना प्रतिष्ठान बंद करके हमारे व्यापारी, लेकिन सम्मानित व्यापारी हैं, ये किसी से कहे नहीं कि हम भूखे हैं या भोजन कर रहे हैं। ऐसे लोगों का सहयोग हम सैकड़ों की संख्या में किए हैं और हमारी जो मदद करने की संख्या थी हमारे व्यापारियों की, वो ये नहीं थी कि एक मीटिंग या दो मीटिंग, कम से कम 10 दिन का खाद्यान्न वितरित करें। ये हम लोग खाली व्यापारियों में ही आप। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद अयोध्या, कोरोना संक्रमण को लेकर रामनगरी ग्रीन जोन में रह रहे इसके लिए प्रशासन लगातार स्थिति की समीक्षा कर रहा है। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने जिले में संक्रमण से निपटने के लिए 3 स्तर की तैयारी जिला अस्पताल में करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना संदिग्ध मरीजों का अब जिला अस्पताल में ही आइसोलेट करने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। रामनगरी में एकमात्र COVID-19 संक्रमित महिला की दूसरी रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली है। जो शासन के अभी लेटेस्ट जो इंस्ट्रक्शन है उसके मुताबिक जितने भी अस्पताल हैं जहां पे इमरजेंसी सेवा दी जानी है वहां 3 प्रकार की व्यवस्था करनी है। सबसे पहले ट्रायज की व्यवस्था करनी है, जहां की जो भी मरीज आकस्मिक सेवाओं के लिए आता है उसका परीक्षण करके और उसको विभाजित करना है कि वो बिल्कुल ग्रीन है, यानी कि उसमें कोई कोविड के लक्षण नहीं है। दूसरा, जिनमें कोई लक्षण हो सकता है, डाउटफुल है, और तीसरा, जहां पे ही कंफर्म है, अगर कोई कोविड कंफर्म है तो उसको बाहर रख दिया जाए। तो ये 3 चीज़ों के लिए प्रत्येक अस्पताल में व्यवस्था करनी है। उसी के क्रम में मैंने अभी जिला अस्पताल का निरीक्षण किया है और उसमें जहाँ पे इमरजेंसी के सामने जहाँ पर्चा बनता है वहाँ पे ट्रायज का केबिन स्थापित करने के लिए और एक जो होल्डिंग वार्ड बनाना है वो एक वार्ड में 20-25 बेड की व्यवस्था होल्डिंग करने के लिए, ताकि अगर किसी में संदिग्ध कोई लक्षण दिखा है तो उनको वहाँ अलग रखेंगे और उनकी फिर सैम्पलिंग कराई जाएगी और कन्फर्म होने पर चाहे तो उनको L1 या L2 में भेजा जाएगा और यहाँ अत्यावश्यक हुआ तो यहाँ भी रखने के लिए एक अलग से आइसोलेशन वार्ड जो कि इस बगल के बिल्डिंग में है उसमें 10 बेड की व्यवस्था की गई है कार्डियोलॉजी में। तो इन 3 व्यवस्थाओं को देखा है, उसमें जो भी और इम्प्रूवमेंट करना है वो उसके हिसाब से बात हुई है, वो एक आधे में वो भी इम्प्रूवमेंट कर लेंगे और व्यवस्थाएँ से भी सपोर्ट होगी।